अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे लाहौरी चने। बिल्कुल बाज़ार जैसा जो टेस्ट है वो चनों का आपको घर में आएगा इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो। यहाँ पे आधा किलो जो है वो सफ़ेद चने ले लिए हैं, इसको ओवरनाइट हम भिगो के रख देंगे। चने आपके जितने ज़्यादा भीगे हुए होंगे उतने ही आपके चने जो है वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो ओवरनाइट हमेशा जब भी आप चने बनाएं उसको ओवरनाइट भिगो के रखा करें। तो यहाँ पे जो है वो रात को ही मैंने चने भिगो के रख लिए थे, हाफ के जी चने लिए थे, इसको अच्छी तरह से साफ करके तो भिगो के इसको रख दिया था ओवरनाइट। अब सुबह में सबसे पहले जो है हम काम करेंगे वो हम करेंगे इसको गला लेंगे चनों को। सिंपली आपने कोई मीठा सोडा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने बस जो है वो चनों को जो है जस्ट बॉयल कर लेना है नमक डाल के। इससे आपके चने जो है वो बिल्कुल फीके फीके नहीं बनेंगे। तो बस आपने जो है वो प्रेशर में चने डाल देने हैं और थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल कर देना है, क्योंकि हम जो है वो जब बॉयल करेंगे तो इसी पानी को जो है हम यूज़ करेंगे जब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे चने जो है वो हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आधे घंटे के बाद जो है वो हमारे चने भी देखें बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, गल चुके हैं, और इसको कोई मीठा सोडा कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ इसको नमक डाल के हमने बॉईल किया है। तो यहाँ पे चने हमारे बॉईल हो गए हैं और 4 to 5 टेबल स्पून भर के हमने चने जो है वो निकाल लेने हैं, क्योंकि हम इसका बनाएंगे पेस्ट। तो यहाँ पे जो है वो चनों का पेस्ट बना लिया था सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के, तो हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए अब हम इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में जो है वो ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। आप जब लाहौरी चने बना रहे हों तो आप इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली इसमें घी का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें घी डालें या ऑयल डालें। तो यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया था और साथ ही हम साबुत खड़े मसाले शामिल कर देंगे। इसमें तेज़पात, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा, ये हम जो है वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर सोते कर लेंगे और फिर हम जो है ये थोड़े से सोते हो जाएंगे, फिर हम साथ ही हम 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर जीरे के शामिल कर देंगे। ज़ीरे का बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो खानों में आता है। तो बस इसको ज़ीरे को हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, इसको बस थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर सोते करेंगे और जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। आपने जो है वो चॉप किया हुआ प्याज जो है वो स्लाइस किया हुआ शामिल नहीं करना, हमने प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के हमने इसके अंदर शामिल करना। आप इसको चॉपर में भी डाल के तो ये अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं, उसमें भी इसका पेस्ट जो है वो अच्छा बन जाता है। तो हम 4 से 5 अदद जो है वो हरी मिर्चें ले ली थी और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था और उसका हम पेस्ट बना लेंगे इकट्ठा ही और इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है, जब तक प्याज का गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि हम जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जितना इसका प्यारा सा कलर आएगा गोल्डन, उतने ही आपके चनों में जो है वो अच्छा सा कलर आएगा। और फिर हम जो है वो प्याज की जब भुनाई हो जाएगी इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और उसके साथ भी इसकी हम 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर देंगे। और अदरक लहसुन शामिल करके आप ज़्यादा भुनाई ना किया करें फिर, क्योंकि आपको पता है कि लहसुन की जो हार्ड सी स्मेल होती है वो आपके खानों में आती है। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करनी है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है वो हमारे मसाले का कलर आया है, प्याज का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इस कलर पे डिपेंड करता है कि आपके चने का जो है वो कलर कैसा आएगा। तो फिर जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो है वो 1 प्याली दही शामिल कर देंगे। दही आपने फेंटा हुआ यूज़ करना है और जब आपने दही शामिल करनी है तो फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा स्लो कर देना है और फिर आपने दही शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ज़्यादा हीट से जो है वो आपका दही फट ना जाए। तो फिर जब हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे साथ ही हम चम्मच चला देंगे, फिर आप फ्लेम जो है वो तेज़ कर सकते हैं और साथ ही हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी जो है वो रेडी हो जाए और इसकी भुनाई जो है वो अच्छी तरह से हो जाए, हमारा दही फटे नहीं। तो हम बस हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ऑयल सेपरेट होने तक आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। उतनी देर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो काइंडली
काइंडली अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। और आपके सब्सक्राइब करते करते, फॉलो करते करते, वीडियो को लाइक करते और कमेंट करते करते हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक आपने ध्यान से शामिल करना है, हमने पहले भी इसके अंदर जो है वो चनों में नमक शामिल किया, तो हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। जब आप मसाले की भुनाई कर रहे हो तो साथ में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आप मसाले की भुनाई किया करें। इसे जो है वो आपके प्याज टमाटर जो है वो आपके खानों में नज़र भी नहीं आते और मसाले की भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाती है और ग्रेवी जो आप कुछ आई होती है वो अच्छी सी रेडी हो जाती है। तो फिर हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे और फिर हम इसके अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो हमने जो है वो यहाँ पे अंडे भी बॉईल होने के लिए रख दिया और जब भी आप अंडे बॉईल किया करें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया करें, इससे आपके अंडों में जो है वो क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते, बिल्कुल भी आपके अंडे जो है वो बॉयल होते हुए नहीं पड़ते। तो आपकी मर्जी है, आप जब लाहौरी चने बना रहे हो तो आपने इसके अंदर अंडे शामिल करने हैं कि नहीं, ये आपकी मर्जी है। आप अंडे शामिल भी कर सकते हैं और नहीं भी शामिल कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर चने शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि चनों में जो है वो मसालों का अच्छा सा टेस्ट चला जाए। और मसाले की क्वान्टिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस क्वान्टिटी में आप बना रहे हैं। तो बस आप अपने हिसाब से जो है वो मसाले वगैरह शामिल कर सकते हैं। और ये जो वॉइस आ रही है आप इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं और मैं सुबह सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपको पता है सुबह सुबह जो है वो फेरियों वाले और ये वो आते रहते हैं, तो आप उस वॉइस को जो है वो इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे जो है हमारे चनों की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो पेस्ट शामिल करेंगे। जो हमने चनों का सेपरेट निकाल के पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके साथ हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। जितनी आप खाने की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे खाना आपका उतना ही डिलीशियस जो है वो मज़ेदार सा रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने पेस्ट शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी, तो फिर हमने जो चने बॉयल किए थे और जो उसमें से उसकी यखनी बची थी, जो इसका पानी था बॉयल करते वक्त, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपको चने बॉईल करते वक्त उसका पानी ना बचे तो आप जो है वो सिंपल दूसरा टैप वाटर भी जो है वो सिंपल जो हम ये वाटर यूज़ करते हैं घर में पीने के लिए वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप चने बॉईल किया करें ना तो कोशिश किया करें ज़्यादा पानी शामिल किया करें और उसी पानी को ना आप चनों में यूज़ किया करें, इससे आपके चने जो है वो बहुत कमाल के मज़े के जो है वो बन के रेडी होते हैं। तो बस हम इसे 10 से 15 मिनट इसको पानी डाल के कुक कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और फिर हम इसके अंदर ये जो एक मज़ेदार सा इसका इंग्रेडिएंट है इस टाइम पे आके हम शामिल करेंगे पीसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। ये इस जो है वो रेसिपी की जान है, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा और आपके चने जो है बिल्कुल बाजार जैसे रेडी होंगे। और फिर बाद में हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा जो है वो आप खाने के लास्ट पे शामिल किया करें, इससे खाने की जो है आपकी लुक भी ख़राब नहीं होती और टेस्ट भी आपका अच्छा जो आता है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारे चने जो है वो रेडी हो रहे हैं, बस इसको 10 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो 10 मिनट कुक करने के बाद लो फ्लेम पर ये देखें ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट हो गया, सारा ऑयल जो है वो इसका ऊपर आ गया। तो फिर हम इसके अंदर जो है हमने जो अंडे बॉयल किए थे वो भी बॉयल हो गए हैं और उसको मैंने हाफ कट कर लिया था और वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अंडे भी। और अंडे शामिल करके हमने इसको मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट दम वाली फ्लेम पे हमने इसको मज़ीद कुक करना है और इसे जो है ताकि वो जो फ्लेवर है वो अंडों में भी चला जाए और आपके जो चने हैं ना वो बहुत मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है, हमारे लाहौरी चने की फेमस रेसिपी है ये लाहौरी चने और बहुत मज़े की ये रेसिपी बन के आपके घर में रेडी होती है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हम जो है वो एक सर्विंग डिश में हम इसको निकाल लेंगे और इसको इसके ऊपर मज़ीद जो है वो मैंने थोड़े से अंडे रख लिए थे वो हम इसके साथ इसको हम गार्निश कर लेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी होती है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और प्यारा सा कमेंट भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और
इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये बहुत मज़े की यह रेसिपी बन के रेडी हुई थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि आप घर में जो है बिल्कुल बाजार जैसे जो है वो आप चने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे लाहौरी चने। बिल्कुल बाज़ार जैसा जो टेस्ट है वो चनों का आपको घर में आएगा इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे। तो यहाँ पे आधा किलो जो है वो सफ़ेद चने ले लिए हैं, इसको ओवरनाइट हम भिगो के रख देंगे। चने आपके जितने ज़्यादा भीगे हुए होंगे उतने ही आपके चने जो है वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो ओवरनाइट हमेशा जब भी आप चने बनाएं उसको ओवरनाइट भिगो के रखा करें। तो यहाँ पे जो है वो रात को ही मैंने चने भिगो के रख लिए थे, हाफ़ के जी चने लिए थे, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके तो भिगो के इसको रख दिया था ओवरनाइट। अब सुबह में सबसे पहले जो है हम काम करेंगे वो हम करेंगे इसको गला लेंगे चनों को। सिंपली आपने कोई मीठा सोडा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने बस जो है वो चनों को जो है जस्ट बॉयल कर लेना है नमक डाल के। इससे आपके चने जो है वो बिल्कुल फीके फीके नहीं बनेंगे। तो बस आपने जो है वो प्रेशर में चने डाल देने हैं और थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल कर देना है, क्योंकि हम जो है वो जब बॉयल करेंगे तो इसी पानी को जो है हम यूज़ करेंगे जब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे चने जो है वो हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आधे घंटे के बाद जो है वो हमारे चने भी देखें बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, गल चुके हैं, और इसको कोई मीठा सोडा कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ इसको नमक डाल के हमने बॉईल किया है। तो यहाँ पे चने हमारे बॉईल हो गए हैं और 4 to 5 टेबल स्पून भर के हमने चने जो है वो निकाल लेने हैं, क्योंकि हम इसका बनाएंगे पेस्ट। तो यहाँ पे जो है वो चनों का पेस्ट बना लिया था सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के, तो हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए अब हम इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में जो है वो ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। आप जब लाहौरी चने बना रहे हों तो आप इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली इसमें घी का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें घी डालें या ऑयल डालें। तो यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया था और साथ ही हम साबुत खड़े मसाले शामिल कर देंगे। इसमें तेज़पात, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा, ये हम जो है वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको थोड़ा सा हम इसको अंदर सोते कर लेंगे और फिर हम जो है ये थोड़े से सोते हो जाएंगे, फिर हम साथ ही हम 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर जीरे का शामिल कर देंगे। ज़ीरे का बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो खानों में आता है। तो बस इसको ज़ीरे को हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, इसको बस थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर सोते करेंगे, और जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। आपने जो है वो चॉप किया हुआ प्याज जो है वो स्लाइस किया हुआ शामिल नहीं करना, हमने प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के हमने इसके अंदर शामिल करना है। आप इसको चॉपर में भी डाल के तो अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं, उसमें भी इसका पेस्ट जो है वो अच्छा बन जाता है। तो हम 4 से 5 अदद जो है वो हरी मिर्चें ले ली थी और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे इकट्ठा ही और इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। जब तक प्याज का गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि हम जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, जितना इसका प्यारा सा कलर आएगा गोल्डन, उतने ही आपके चनों में जो है वो अच्छा सा कलर आएगा। और फिर हम जो है वो प्याज की जब भुनाई हो जाएगी, इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, और उसके साथ भी इसकी हम 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर देंगे। और अदरक लहसुन शामिल करके आप ज़्यादा भुनाई ना किया करें फिर, क्योंकि आपको पता है कि लहसुन की जो हार्ड सी स्मेल होती है वो आपके खानों में आती है। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करनी है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है वो हमारे मसाले का कलर आया है, प्याज का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इस कलर पे डिपेंड करता है कि आपके चने का जो है वो कलर कैसा आएगा। तो फिर जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो है वो 1 प्याली दही शामिल कर देंगे। दही आपने फेंटा हुआ यूज़ करना है, और जब आपने दही शामिल करनी है तो फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा स्लो कर देना है, और फिर आपने दही शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ज़्यादा हीट से जो है वो आपके दही फट ना जाए। तो फिर जब
हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे, साथ ही हम चम्मच चला देंगे, फिर आप फ्लेम जो है वो तेज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी जो है वो रेडी हो जाए और इसकी बुनाई जो है वो अच्छी तरह से हो जाए, हमारा दही फटे नहीं। तो हम बस हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ऑयल सेपरेट होने तक आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। उतनी देर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो काइंडली अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। और आपके सब्सक्राइब करते करते, फॉलो करते करते, वीडियो को लाइक करते और कमेंट करते करते हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक आपने ध्यान से शामिल करना है, हमने पहले भी इसके अंदर जो है वो चनों में नमक शामिल किया, तो हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। जब आप मसाले की भुनाई कर रहे हों तो साथ में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आप मसाले की भुनाई किया करें। इसे जो है वो आपके प्याज टमाटर जो है वो आपके खानों में नज़र भी नहीं आते और मसाले की भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाती है और ग्रेवी जो आप को चाहिए होती है वो अच्छी सी रेडी हो जाती है। तो फिर हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे और फिर हम इसके अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो हमने जो है वो यहाँ पे अंडे भी बॉईल होने के लिए रख दिए और जब भी आप अंडे बॉईल किया करें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया करें, इससे आपके अंडों में जो है वो क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते, बिल्कुल भी आपके अंडे जो है वो बॉयल होते हुए नहीं पड़ते। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जब लाहौरी चने बना रहे हो तो आपने इसके अंदर अंडे शामिल करने हैं कि नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप अंडे शामिल भी कर सकते हैं और नहीं भी शामिल कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर चने शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि चनों में जो है वो मसालों का अच्छा सा टेस्ट चला जाए। और मसाले की क्वान्टिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस क्वान्टिटी में आप बना रहे हैं। तो बस आप अपने हिसाब से जो है वो मसाले वगैरह शामिल कर सकते हैं। और ये जो वॉइस आ रही है आप इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं और मैं सुबह सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपको पता है सुबह सुबह जो है वो फेरियों वाले और ये वो आते रहते हैं, तो आप उस वॉइस को जो है वो इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे जो है हमारे चनों की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो पेस्ट शामिल करेंगे। जो हमने चनों का सेपरेट निकाल के पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके साथ हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। जितनी आप खाने की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे खाना आपका उतना ही डिलीशियस जो है वो मज़ेदार सा रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने पेस्ट शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी, तो फिर हमने जो चने बॉयल किए थे और जो उसमें से उसकी यखनी बची थी, जो इसका पानी था बॉयल करते वक्त, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपको चने बॉयल करते वक्त उसका पानी ना बचे तो आप जो है वो सिंपल दूसरा टैप वाटर भी जो है वो सिंपल जो हम ये वाटर यूज़ करते हैं घर में पीने के लिए, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप चने बॉयल किया करें ना, तो कोशिश किया करें ज़्यादा पानी शामिल किया करें और उसी पानी को ना आप चनों में यूज़ किया करें। इससे आपके चने जो है वो बहुत कमाल के मज़े के जो है वो बन के रेडी होते हैं। तो बस हम इसे 10 से 15 मिनट इसको पानी डाल के कुक कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और फिर हम इसके अंदर ये जो एक मज़ेदार सा इसका इन्ग्रीडियंट है, इस टाइम पे आके हम शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। ये इस जो है वो रेसिपी की जान है, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा और आपके चने जो है बिल्कुल बाजार जैसे रेडी होंगे। और फिर बाद में हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा जो है वो आप खाने के लास्ट पे शामिल किया करें, इससे खाने की जो है आपकी लुक भी ख़राब नहीं होती और टेस्ट भी आपका अच्छा जो आता है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारे चने जो है वो रेडी हो रहे हैं, बस इसको 10 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो 10 मिनट कुक करने के बाद लो फ्लेम पर ये देखें ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट हो गया है, सारा ऑयल जो है वो इसका ऊपर आ गया है। तो फिर हम इसके अंदर जो है हमने जो अंडे बॉयल किए थे वो भी बॉयल हो गए हैं और उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया था और वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अंडे भी। और अंडे शामिल करके हमने इसको मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट दम वाली फ्लेम पे हमने इसको मज़ीद कुक करना है और इसे जो है ताकि वो जो फ्लेवर है वो अंडों में भी चला जाए और आपके जो चने हैं ना वो बहुत मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है हमारे लाहौरी चने की, फेमस रेसिपी है ये।
लाहौरी चने और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनके आपके घर में रेडी होती है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हम जो है वो एक सर्विंग डिश में हम इसको निकाल लेंगे और इसको इसके ऊपर मज़ीद जो है वो मैंने थोड़े से अंडे रख लिए थे वो हम इसके साथ इसको हम गार्निश कर लेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी होती है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और प्यारा सा कमेंट भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये बहुत मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि आप घर में जो है बिल्कुल बाज़ार जैसे जो है वो आप चने